हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है देन एक्सप्रेस करना है किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। सो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। सबसे पहले तो जो गिवन है ना, एज इट इज़ लिखना है आपको 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 1/5। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई एज इट इज़, इन दोनों का होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, प्लस करेंगे इस 1 को, डिवाइड करेंगे इस 5 से। सो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ार 25 प्लस 1, डिवाइड करेंगे इस 5 से। आगे सॉल्व करते इसे क्या होगा, फिर 3 और मल्टीप्लाई एज इट इज़ 25 प्लस 1 26, डिवाइड होगा 5 से। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें करना है मल्टीप्लाई। सो 3 6 ज़ा 18 के 8 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 78 को कर रहे हैं हम 5 से डिवाइड, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे कर लेते 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 7 माइनस 5 कितने होते 2, शिफ्ट करेंगे 8 को, 5 6 ज़ा होता है 30 है ना, और 5 5 ज़ा होगा 25। सो 25 लिखेंगे, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0। सो देखो क्वेश्चन कितना आया फिर 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना है 3 और डिवाइड किससे किया था 5 से। सो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेम है यहाँ पे भी, जो गिवन है उसे पहले लिख लो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 एंड 3/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 और मल्टीप्लाई एज इट इज़, 6 और 4 का होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, प्लस करेंगे 3 को, डिवाइड किससे करेंगे 4 से। सो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 6 4 ज़ा 24 प्लस 3, डिवाइड होगा 4 से। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप पे, 5 मल्टीप्लाई 24 प्लस 3 कितने होंगे 27 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 7 ज़ा 35 के 5 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, इसे डिवाइड करेंगे 4 से। अब यहाँ पे निकाल लेते इसका, 135 डिवाइड बाय 4, 4 3 ज़ा 12 और 13 माइनस 12 1, शिफ्ट करेंगे 5 को, 4 4 ज़ा 16 होता है, सो फिर से 4 3 ज़ा 12 लेंगे, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 33, रिमाइंडर कितना है 3, यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड किससे किया था 4 से, ये आपका रफ पार्ट है, ठीक है, इसे लिखना नहीं है। सो ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, सेम है फिर से वही करना है हमें, 7 मल्टीप्लाई 2 एंड 1/4। फिर से क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई एज इट इज़, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई 4, प्लस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे इस 4 से। सो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8 प्लस ये करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 4 से। अब आगे देखते इसे, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9 अपॉन 4। अब क्या होगा, 7 9 ज़ार 63 अपॉन 4। अब करते यहाँ पे 63 को 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, 8 6 से बड़ा है ना, 6 माइनस 4 कितने होते 2, शिफ्ट करेंगे 3 को, 23, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, सो यहाँ पे आएगा 4 5 ज़ा 20। सब्सट्रैक्ट कर लेते 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 15, इससे पहले लिखते 15, रिमाइंडर कितना है 3 और डिवाइड किससे किया था 4 से, सो यहाँ पे आएगा 4 और ये होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है। अब आते इसके डी पार्ट पे, यहाँ पे सेम है फिर से, 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 1/3 लिखना है। फिर से 4 मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3, प्लस करेंगे ये 1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 को। क्या होगा, फिर से 4 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 1, डिवाइड बाय 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 18 प्लस 1 19, डिवाइड होगा 3 से। फिर क्या होगा, 4 9 ज़ा 36 के 6 आएंगे कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 से। अब क्या होगा, 76 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 कितने होते 1, 6 को शिफ्ट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 16 माइनस 15 1। क्लियर है इतना। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 25
देन रिमाइंडर कितना बचा, 1 डिवाइड किससे किया था, 3 से। सो ये होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले है, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेते पहले, मल्टीप्लाई 6 और फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस करेंगे ये 1, डिवाइड करेंगे इस 4 से और मल्टीप्लाई लिखेंगे 6, ठीक है। 3 4 12 प्लस 1 डिवाइड होगा 4 से मल्टीप्लाई 6। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, 6 और 13 का मल्टीप्लिकेशन, 3 6 18 के 8 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 4 से। अब यहाँ पे कर लेते हैं 78 डिवाइड बाय 4 4 1 4 एंड 7 माइनस 4 कितने होते हैं, 3, और शिफ्ट करेंगे 8 को, सो क्या होगा ये 38। अब 4 के टेबल में 4 9 36, क्योंकि 4 4 14 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। 8 माइनस 6 कितने होंगे, 2, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, 19, रिमाइंडर कितना बचा, 2, और डिवाइड किससे किया था, 4 से। सो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, सेम ही मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले, सो इसे पहले लिख लेते मल्टीप्लाई 8 और इसे ही पहले सॉल्व करते, ठीक है। 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस होगा 2, डिवाइड होगा 5 से, मल्टीप्लाई लिखेंगे 8। अब क्या होगा, 3 5 15 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 8। अब 15 प्लस 2 कितने होंगे, 17, और नीचे आएगा 5 मल्टीप्लाई 8। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 8 का कितना होता है, 56 के 6 कैरी 5, 8 1 8 प्लस 5 कितने होते हैं, 13, डिवाइड करेंगे 5 से। सो अभी क्या करना है हमें, 136 को डिवाइड करना है 5 से, 5 3 का कितना होता है, 15, सो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 10। अब 13 माइनस 10 कितने बचेंगे, 3, शिफ्ट करेंगे 6 को, अब 36 है, ठीक है। 5 7 का कितना होता है, 35 होता है, सो यहाँ पे लिखेंगे 35, रिमाइंडर बचेगा 1। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन रहा है इसका, 27 क्वेश्चन है, 1 रिमाइंडर है और डिवाइड किया 5 से, सो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।